हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि कुमार भारद्वाज एंड दिस इज़ पार्ट 45 ऑफ VP.NET ट्यूटोरियल सीरीज। सो गाइस, हम इस पार्ट में देखेंगे कि हम कैसे सिस्टम के इंफॉर्मेशंस को VP.NET के प्रोग्राम के थ्रू उससे इंफॉर्मेशंस को गेट कर सकते हैं, मतलब उसके इंफॉर्मेशंस को हम निकाल सकते हैं। सो गाइस, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने छोटा सा फॉर्म डिज़ाइन किया है जहाँ पर मैं कंप्यूटर के कुछ इन्फॉर्मेशंस को इस टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कराऊंगा। जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो ये इन्फॉर्मेशन हमारा इस टेक्स्ट बॉक्स पर डिस्प्ले होगा। तो इसके लिए यहाँ देखने सबसे पहले हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन करा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में कंप्यूटर का नाम डिस्प्ले कराएंगे, देन सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में जो भी यूजर नेम होगा वो, देन थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, फोर्थ टेक्स्ट बॉक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन, नेक्स्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा प्लेटफॉर्म है, देन उसका कितने मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी, देन उसका लोकल टाइम, देन कीबोर्ड क्लॉक में कीबोर्ड में कैप्स लॉक बटन ऑन है कि ऑफ है वो बताएगा, देन माउस एग्जिस्ट है कि नहीं ये बताएगा, देन स्क्रीन का जो भी वर्किंग एरिया होगा वो डिस्प्ले करेगा जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, अब हम इसके लिए कोड करते हैं। तो इस गेट बटन पे, गेट डिटेल बटन पे हम डबल क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर हम इसके लिए कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, इसलिए लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू माई कंप्यूटर डॉट नेम। यहाँ पर हम कंप्यूटर का नाम डिस्प्ले करेंगे। देन सेकंड टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट इक्वल टू माई यहाँ पर हम यूजर नाम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं यूजर देन नेम। देन थर्ड टेक्स्ट बॉक्स थ्री डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ हम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम इंटर डिस्प्ले करना चाहते हैं, इसे लिखेंगे माई कंप्यूटर डॉट इन्फो डॉट ओ एस फुल नेम, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा नाम डिस्प्ले करेगा। देन टेक्स्ट बॉक्स फोर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू माई कंप्यूटर डॉट इन्फो डॉट, इसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर वर्जन सेलेक्ट करेंगे। देन टेक्स्ट बॉक्स फाइव डॉट टेक्स्ट इक्वल टू माई कंप्यूटर डॉट इन्फो डॉट, अब यहाँ पर हम जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेटफॉर्म है वो डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ से हम उसका प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे। देन टेक्स्ट बॉक्स सिक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू माई कंप्यूटर डॉट इन्फो डॉट, अब हम उस कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी डिस्प्ले कराना चाहते हैं, इसलिए हम लिखेंगे टोटल प्राइमरी मेमोरी। देन इसके बाद अब हमें कंप्यूटर का में क्लॉक डिस्प्ले कराना है, तो इसलिए लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स सेवन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू माई कंप्यूटर डॉट क्लॉक डॉट लोकल टाइम डॉट टू स्ट्रिंग। देन टेक्स्ट बॉक्स एट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि कीबोर्ड का कैप्स लॉक बटन ऑन है कि ऑफ, तो इसके लिए हम लिखेंगे माई कंप्यूटर डॉट कीबोर्ड डॉट कैप्स लॉक। देन टेक्स्ट बॉक्स नाइन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू माई कंप्यूटर डॉट माउस डॉट माउस एग्जिस्ट है कि नहीं ये देखना है, इसलिए व्हाइल माउस एग्जिस्ट। देन लास्ट टेक्स्ट बॉक्स टेन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, अब यहाँ पर हम अपने स्क्रीन का वर्किंग एरिया देखना है, देन लिखेंगे माई कंप्यूटर डॉट स्क्रीन डॉट वर्किंग एरिया डॉट टू स्ट्रिंग। तो गाइस, यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स वन से लेके टेक्स्ट बॉक्स टेन तक के सभी अलग अलग बॉक्स में कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराएंगे। अब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, देन जैसे ही आप यहां देख रहे हैं अभी पूरा का पूरा टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक है, जैसे ही मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कंप्यूटर का पूरा इन्फॉर्मेशन यहां पर डिस्प्ले हो रहा है, जैसे यूजर नेम रवि भारद्वाज पी सी कंप्यूटर नेम रवि भारद्वाज पी
पीसी, यूजर नेम रवि भारद्वाज डॉट पी सी स्लैश रवि भारद्वाज, ओएस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 अल्टीमेट, ऑपरेटिंग सिस्टम 6.1.7 6.0.0.0, ओएस प्लेटफॉर्म Win32NT। इस प्रकार से आप देख रहे हैं सारे के सारे इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। सो गाइस, इस प्रकार से हम विंडोज़ एप्लीकेशन में बहुत ही इजीली, बहुत ही इजी वे में कंप्यूटर के किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशंस को गेट कर सकते हैं। सो गाइस, होप यू एंजॉय इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।